वैसे तो सेवरले अब इंडिया से जा चुकी है, नई गाड़ियां इनकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुरानी गाड़ियां बहुत है मार्केट में और बिल्ड क्वालिटी जो है इन गाड़ियों की वो बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी एक गाड़ी हमारे पास है सेवरले की सेल। सेल के अंदर दो मॉडल आते थे, एक सेवरले की युवा सेल और एक सेल। ये इसका रिमोट ऐसा बिल्कुल सिंपल सा इसमें रिमोट आता है। तो ये वाली गाड़ी आपको दिखाते हैं, अगर आप सेकंड हैंड कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो क्या इन गाड़ियों पे जा सकते हैं, क्या प्रोज एंड कौन सा आपको मिलेंगे अगर आप ऐसी कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। तो जो भी आपके सामने खड़ी है ये है शेवरले की सेल। जो इसमें युवा सेल आती है वो फ्रंट से देखने में वैसी होती है जैसे स्विफ्ट और डिजायर का डिफरेंस होता है, वो उसमें जो ये पीछे है ये डिक्की नहीं होती है, यानी हैचबैक होती है, ये जो है वो सेडान में है। नई तो अब कोई गाड़ी आपको वैसे भी शेवरले में मिलेगी नहीं, तो पुरानी गाड़ियाँ आपको अगर मिलती हैं तो वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इनके प्रोज एंड कौन जो भी हैं उनके बारे में एक बार इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है शेवरले की सेल, सेडान कार है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। ये है 2011-12-13 का मॉडल है ये, यानी 9 साल पुरानी है। अभी एक साल इसका दिल्ली NCR के हिसाब से बचा हुआ है, डीजल है। हालांकि RC में 15 साल ही लिखा होता है, लेकिन फिर भी ये दिल्ली में 10 साल ही चलती हैं, यानी दिल्ली NCR में। तो अगर बाहर ये गाड़ियां ऐसी कोई भी जाएं तो वहां पे इनकी जो चलाने की वैलिडिटी है वो बढ़ सकती है। नॉर्मली 15 तो हो ही जाती है, आगे भी शायद एक्सटेंड हो जाए। अगर बात करें गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की तो वो बहुत ज़बरदस्त है। ये वाली गाड़ी जो है ये हमारे पास ही है काफ़ी टाइम से, और इस गाड़ी के अंदर आप देखें तो 9 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कई पेंट इसके अंदर बाद दोबारा कराए गए हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह की वजह जैसे कुछ लग जाता है वैसे, और कुछ इसके अंदर अभी ओरिजिनल पेंट भी हैं। लेकिन उस हिसाब से आप देखें तो गाड़ी फुल एकदम वैसी की वैसी है जैसी होनी चाहिए उस टाइम पे। थोड़ी बहुत गलावट 9 साल में, ये आप देखिए साइड से, यहाँ से, यहाँ से ये हल्की बोलकी आनी शुरू हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इसका जो बॉडी है, यानी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, लोहा जो इसमें लगा हुआ है वो बहुत मजबूत है और काफ़ी अच्छी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको सेवरले की गाड़ियाँ दे देती हैं। इंजन वगैरह भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, एवरेज में भी ज़्यादातर अच्छी होती हैं। ये भी आई थिंक 18 से 20 के आसपास की एवरेज अभी निकाल देती है। हमने भी रिसेंटली एक इससे 400 किलोमीटर की राइड करके देखी है तो 18-19 की एवरेज तो ये आराम से निकाल देती है। कुछ इस तरीके से ये ओल्ड वाली गाड़ियाँ आती थी, इसमें नॉर्मल इसमें जो टायर हैं वो रिम हैं वो होते थे। और फ्रंट का लुक आप देखिए, क्रोम सेवरले की, ये क्रोम में जो है ब्रांडिंग कह सकते हो आप, जो प्लस का साइन होता था सेवरले का, इधर से लंबा इधर से छोटा, और ये ब्लैक वाली ग्रिल, नीचे एक ग्रिल इसमें एक्स्ट्रा, और एक यहाँ पे फॉग लाइट की जगह जो लगाई नहीं गई थी, और हेडलाइट भी काफ़ी अच्छी सी। और जो बोनेट का सामने से लुक आता है ना, वो जो सेवरले बीट में आता है कुछ वैसा ही लुक इसमें भी आपको मिल जाता है। इसमें तवेरा तो गाड़ी बहुत सेल हुई थी उस टाइम पे। और ये वाला देखिए आप, जो इसके ऊपर व्हील कवर लगा हुआ है ना, ये सेल का ओरिजिनल व्हील कवर है, यानी जो कंपनी से लग के आया था ये वही व्हील कवर आज तक है, 9 साल बाद भी यूं का यूं अवेलेबल है ये, इसका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और ये ही बिडिंग इसके ऊपर वहाँ से लग के आई थी, जो इसके ऊपर सेल लिखा होता है। बाहर तो ये प्रोडक्ट शायद मिले भी ना अब। और जो डोर वाइजर आप देख पा रहे हैं वो इसमें आफ्टर मार्केट के लगे हुए हैं, जो हैंडल वगैरह थे वो सब सेम बॉडी कलर में थे। और यहाँ वाले जो ये साइड मिरर हैं, साइड ग्लास हैं, ये भी आपको सेम बॉडी कलर में ही थे, और थोड़ा ब्लैक का टच भी था इसके अंदर, और ABS इसमें था ही था। और ओवरऑल लुक आप देखें तो काफ़ी अच्छा था। जो ये एसेसरीज है बैक साइड वाली, ये बम्पर प्रोटेक्टर वगैरह, ये जो हैं ये बाद में लगाए गए हैं, कैमरा जो है इसमें वो बाद में लगाया गया है। बात करें बैक साइड में तो सेवरले का मोनोग्राम आ गया और इसका ये ब्रांडिंग हो गई, सेल का नाम लिखा हुआ यहाँ पे चाबी से खोलने के लिए, और ये इसका मॉडल कुछ इस तरीके से होता था। अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी है, एक बार आपको इसका बूट स्पेस और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो बनाया गया है, और फिर दिखाते हैं अंदर से कि अंदर से गाड़ी ये कैसी है। पहले आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। इंटीरियर जो था वो भी इसका काफ़ी अच्छा था, और एक बार आप इसका बूट स्पेस देखिए, ये देखिए एक अच्छा खासा बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता था। और डीजल है तो इसमें कोई CNG का भी चक्कर उस टाइम पे भी नहीं था, आज भी नहीं होता है, हालांकि अब तो सेवरले जा ही चुकी है। तो कुछ ऐसा इसके अंदर इतना सारा आपको बूट स्पेस इसमें मिल जाता था, और पूरा एकदम नीचे से ये अच्छे से पैक वैक था, ऐसा नहीं था कि खुला हुआ हो, काफ़ी अच्छे से बना रखा था। यहाँ पर एक थोड़ी इसमें ब्रेक लाइट लगा रखी है, और ये जो है इसमें पीछे उसका जो स्पेस दे रखा है कुछ, अगर आपको शो पीस वगैरह रखनी हो तो उसका। बात करें एक बार इसमें अंदर की, तो इसमें जो इंटीरियर था वो भी थोड़ा सा एक अलग सा ही था, ये कुछ ऐसा ग्रीज टाइप जो कलर बोलते हैं ये उसका, और साथ में बेज कलर का इंटीरियर जो इसमें मिलता था उस टाइम पे भी। और अगर आप देखें यहाँ पे तो अभी भी इसमें काफ़ी जान है, हल्के फुलके निशान ही आए हैं 9 साल बाद भी, तो कुछ इसका बिगड़ा नहीं है।
जो यहाँ का स्पेस अगर आप देखें तो डैशबोर्ड जो था वो उस टाइम के हिसाब से यानी कि 9 साल पहले भी एकदम काफ़ी बड़ा वाला डैशबोर्ड इसमें आपको मिल जाता था, और यहाँ पे इसमें 7 इंच का स्टीरियो लगाने की जगह भी थी इस टाइम पे। ग्लोव बॉक्स जो होता है वो भी अच्छे खासे स्पेस का था, यहाँ पे भी सामान रखने के लिए जगह थी कुछ, यहाँ पे भी सामान रखने के लिए, यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर और आगे के जो दरवाजे हैं इनके अंदर भी यहाँ पे ग्लास होल्डर अवेलेबल थे। यहाँ पे क्रोम जो ये है इनके ऊपर आपको मिल जाता था, ये आपको नॉर्मल मिलते थे विदाउट क्रोम में, और ओवरऑल जो लुक था वो इसका काफ़ी डिसेंट लगता था। और इसका जो सबसे एक यूनिक चीज़ आपने अभी तक नहीं देखी होगी वो ये था, अगर आपने सेवरले अभी तक नहीं चलाई है तो इसमें रिवर्स गियर है ना बैक साइड में नहीं होता था, इसको रिवर्स गियर जहाँ फर्स्ट गियर आएगा वहीं पे इसका रिवर्स गियर जाता था, ये यहाँ पे इसने थोड़ा अलग लगा रखा था, यानी किसी अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाने वाले को ये गाड़ी दो ना तो उससे ये चलेगी भी नहीं है। इस तरीके की गाड़ियाँ थी जिनके अंदर ऐसे आता है, इसको यहाँ से उठाना और फिर इसको ऐसे करना, ये वाला इसके अंदर पूरा सिस्टम था। देखिए नॉर्मल गाड़ियाँ जो होती हैं वो फ्रंट गियर इनका कुछ इस तरीके से आपको लगा के दिखाते हैं, फ्रंट यहाँ पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो रिवर्स गियर है वो यहाँ होता है, जो कि सेवरले की गाड़ियों का जो रिवर्स गियर है वो भी यहीं होता है जहाँ पे इनका फर्स्ट गियर होता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अगर आपने कभी ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं तो अगर इसमें ये जो हाथ डालने का देखिए डॉट सा जो बना हुआ है इसको ऐसे इसमें फंसाना होता है, ऐसे फंसा के और इसको ऊपर की तरफ इसको ये पूरा खींचना होता है, और फिर जब ये आगे की तरफ जाता है ये पूरा खींच गया है ऊपर, अब आप देखिए तो ये जब ऐसे आगे जाता है तो फिर ये इसके अंदर रिवर्स गियर में चली जाती है, और नॉर्मल जब आप इसको ऐसे लगाते हैं तो ये फर्स्ट गियर में होती है कुछ ये इस तरीके से, और जब ये पूरा ऊपर की तरफ खींच जाए तो इसका मतलब ये रिवर्स गियर में है। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा नॉर्मल गाड़ियों से काफ़ी अलग है। तो ये इसका जो फ्रंट का जो इंटीरियर है कुछ ऐसा था। अब चलते हैं बैक में, बैक के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक अच्छा खासा हेडरूम और लेग रूम इसमें आपको मिल जाता था, यानी देखिए मेरी हाइट करीब 5 फुट 10 इंच 11 इंच है और सीटें अपनी नॉर्मल पोजिशन पर हैं और फिर भी इतना स्पेस यहाँ पर आपको बच जाता है, और काफ़ी बड़ा और कम्फर्टेबल सीटें यहाँ पे दे दी थी ऐसे ही, और पीछे की तरह यहाँ पे भी क्रोम वाली जो ये बेजिंग है ये थी, चारों पावर विंडो थी, तो उस हिसाब से काफ़ी डिसेंट स्पेस इसके अंदर बैक साइड में भी मिल जाता था। बैक साइड से भी यहाँ पे आपको देखिए ग्लास होल्डर वगैरह और आगे का स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त था इसमें। तो इंटीरियर वाइज तो गाड़ी उस टाइम पर भी ज़बरदस्त थी, अब भी ज़बरदस्त है, 9 साल बाद भी यानी इसका कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ नहीं है इतना टाइम निकालने के बाद भी। ये इसमें थोड़ा अलग था, गियर को ऐसे ऊपर खींच के रिवर्स में डालना पड़ता था नॉर्मल की बजाय, बाकी स्पेस जो था यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, चारों पावर विंडो के लिए जगह जो है यहाँ पे दे रखी थी। अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की तो प्रोज तो वैसे बहुत सारे हैं क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और थोड़ी सी इसकी रीसेल वैल्यू आप कह सकते हो कि कम है, अगर आप मारुति या हुंडई वगैरह से कंपैरिजन करते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू उनसे काफ़ी कम होती है। बात करें कॉन्स की तो कंपनी के बाहर जाने की वजह से अब जो इसका पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हो जाएंगे या महंगे हो गए हैं कह लो, तो वो थोड़े से कॉस्टली इसमें आपको पड़ सकते हैं, हालांकि अगर आप अच्छे पार्ट डलवाते हैं तो इतनी जल्दी इन गाड़ियों के ख़राब भी नहीं होते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, गाड़ी चलने में काफ़ी दमदार होती है। हाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है अब कंपनी बंद होने की वजह से यानी कंपनी के यहाँ से जाने की वजह से जो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे उनकी वजह से थोड़ी सी इसकी कॉस्टली पड़ती है, उसके अलावा ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज है। अगर आपको अच्छे रेट के अंदर कोई ऐसी गाड़ी मिलती है सेवरले की तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, थोड़ा ये बात पहले से ही आप दिमाग में डाल के रखें कि इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। मारुति की गाड़ियाँ इसी वजह से बिकती हैं क्योंकि उनके ऊपर जो खर्चा है वो यानी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी सस्ती होती है, यानी ज़्यादा खर्चा उस पर आपको बाद में नहीं करना पड़ता। बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, सेकेंड हैंड मिले तो आप चला सकते हैं, इंजन वाइज गाड़ी चलें या रोड पे स्टेबिलिटी के हिसाब से चलें और या कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चलें, मतलब हर तरीके से आप समझें तो गाड़ी ज़बरदस्त है। अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो खाली यही है कि आपको इसकी मेंटेनेंस जो है वो नॉर्मल गाड़ियों के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है कंपनी के जाने की वजह से, और दूसरा जो है इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो अब काफ़ी कम हो गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि जब कंपनी नहीं होती है तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है सेवरले की गाड़ियों की वो अपने आप में दमदार है, जिन्होंने चलाई है वो लोग इसको अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो ये है हमारा जो भी हमारा रिव्यू है, हमारी अपनी ही गाड़ी है एक तरीके से ये सेवरले की सेल, इसके बारे में आपकी अगर कोई और क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके ले सकते हैं, आपका क्या राय है इसके बारे में वो भी आप कमेंट करके ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद।